Hi guys, what is up? This is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine. नहीं आज की वीडियो इंग्लिश में नहीं होने वाली है, हिंदी में बात करूंगा आप लोगों से. सबसे जरूरी चीज है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट. आपकी आप किसी भी देश के अंदर आते हो, आप आते ही गाड़ी नहीं ले सकते. वैसे भी आपकी इतनी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होती और आपके पास इन जनरल आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी नहीं होता स्टार्ट में. तो आप एनीवेज आप लोग पर्सनल व्हीकल एक साल या डेढ़ साल से पहले तो किसी हालत में नहीं बाय कर सकते. वो भी अगर आपको बहुत ज़्यादा चुलोगे तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे. अब पर्सनल व्हीकल लेना है कि नहीं लेना है, ये डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पर रह रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले से बड़ा अच्छा है, तो आपको ऑनेस्टली पर्सनल व्हीकल लेने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको पर्सनल व्हीकल लेके भी उतना स्ट्रेस है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बिजी है. और अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी जगहों का ही बहुत अच्छा डेवलप किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हों, जैसे वैनकूवर, मॉन्ट्रियल, टोरंटो. अगर ऐसी जगह पे रहना, इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से डेवलप है, आपको किफ़ायती रेट्स भी ऑफर करते हैं अगर आप एक रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले बंदे हो तो, जिसको हम बोलते हैं पास. आज हम बात करेंगे ओंटारियो में. ओंटारियो में भी टोरंटो और ब्रैम्पटन एरिया के बारे में ज़्यादा बात करूँगा मैं. तो दोस्तों, ओंटारियो जो है ये एक प्रोविंस है जिसके अंदर एक ही ट्रांजिट का कार्ड चलता है, उसका नाम है प्रेस्टो कार्ड. तो उसके दो बेनिफिट है. नंबर वन, एक कि आप अपने रीजन के हिसाब से उसका पास बना सकते हो, और नंबर टू वो ये कि अगर आपने कैश भी फेयर पे करना है तो $4 है. अगर आप कार्ड टैप करोगे 25 सेंट ऑफ, अगर कैश दोगे तो महंगा पड़ेगा. दोस्तों, अब आते हैं मेन मोटे पे जो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करना था टोरंटो का. सबसे पहले टोरंटो का एक्सप्लेन करूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो दोस्तों, यहाँ पे वही प्रेस्टो कार्ड जो है ओंटारियो का, वो यहाँ पे चलता है. तो बेसिकली जब आप किसी बस के अंदर चढ़ते हो, आपने उसको टैप कर देना होता है और उससे कुछ पैसे डिडक्ट हो जाते हैं. तो अभी अगर आपने उसको एक बार टैप कर दिया, आपके एक बार उससे $3 या $3.50 जो भी डिडक्ट हो गए, उसके बाद आप 2 घंटे तक उसको जौन सी मर्जी TTC की या टोरंटो ट्रांजिट की बस पे ही टैप करते रहो, आपको दोबारा उसके पैसे नहीं लगेंगे. किफ़ायती है, नो डाउट, बहुत किफ़ायती है. बट स्टूडेंट्स के लिए इससे भी किफ़ायती एक टोरंटो ट्रांजिट सिस्टम या TTC ने एक पास जो है वो जारी किया हुआ है. अगर आप वो पास यूज़ करोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा सस्ता मिलेगा. तो उस पास के अंदर दोस्तों क्या होता है कि आपको एक मंथली फिक्स अमाउंट पे करनी होती है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. कोई $120 थी जब मैं यहाँ आया था, अभी 124-125 के आसपास होगी. वो जो पास है वो आपने बना लेना है. उसको अगर आप टोरंटो के अंदर रहते रहते कहीं भी टैप करोगे, टोरंटो मतलब स्कारब्रो, ईस्ट यॉर्क, नॉर्थ यॉर्क, डाउनटाउन और इटोबिकोक, ये बहुत बड़ा एरिया है. इसके अंदर आप जहाँ भी आप TTC की बस आपको नज़र आए, टैप करो, कोई पैसे डिडक्ट नहीं होंगे. सिर्फ आपका जो $120-125 जो आपने दिए हैं उसके अंदर में ही हर जगह पे ट्रैवल कर सकते हो पूरे टोरंटो में. तो इसका मतलब है, चाहे आपने स्कूल जाना है, चाहे आपने काम पे जाना है, चाहे आपने ग्रॉसरी लेने जाना है, कुछ भी करना है, आप लोग फ्री टू मूव हो बिकॉज यू हैव दैट पास. एक चीज़ का दोस्तों जरूर ध्यान रखना है, अगर आपने वो पास बनाओगे तो उसके साथ एक स्टूडेंट आईडी बनती है. यूनियन स्टेशन है यहाँ पे, यूनियन स्टेशन, वहाँ से उसको बना लेनी है. अगर आप वो स्टूडेंट आईडी बना लेते हो तो उसके बाद अगर आपको कोई टिकट चेकर, मतलब यहाँ पे इंस्पेक्टर भी घूमते हैं, फेयर इंस्पेक्टर, तो अगर आपसे पूछ लें कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप स्टूडेंट हो, तो आपने वो प्रेस्टो का पास नहीं दिखाना, वो प्रूफ नहीं है. वो जो स्टूडेंट आईडी बनेगी आपने वो दिखानी है, वो एक प्रूफ है कि आप एक स्टूडेंट हो यहाँ पे. अदरवाइज $200 फाइन है. सवाल ये आता है कि ये जो बेनिफिट्स है ये सिर्फ स्टूडेंट्स को ही है या फिर जो लोग वर्क परमिट पे हो जाते हैं उनको भी ये बेनिफिट है, और मतलब PR हो जाते हैं उनको भी ये बेनिफिट है. दोस्तों, ये बेनिफिट जो है $124-120 वाला, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही है. अगर आप वर्क परमिट पे आ जाते हो तो आपका ऑटोमेटिकली ये पास एक्सपायर हो जाता है स्टूडेंट वाला, फिर आपको फुल पैसे देने पड़ते हैं, मतलब कि $158 पर मंथ आपको TTC के अंदर ट्रैवल करने के लिए. अभी ये बहुत आपको हो सकता है महंगा लग रहा हो, बट अभी इसको कंपेयर करो, अगर आपको टोरंटो के अंदर गाड़ी लेनी है तो गाड़ी की किस्त आएगी $400-500. चलो मान लो कि किस्त नहीं भी की, आपने कैश सस्ती गाड़ी ले ली, आप ये सुन, मुझे पता है बहुत सारे लोग दिमाग लगा के आते हैं, तो आपने सस्ती गाड़ी ले ली जो कि अच्छी बात भी है. स्टिल आपका उसका जो इंश्योरेंस है, क्योंकि आप नए ड्राइवर हो, तो आपका $400-500 इंश्योरेंस जाएगा. ऑन टॉप ऑफ दैट आपका तेल का खर्चा ही $120-130 तो जाएगा ही जाएगा. $100 तो तेल का खर्चा जाएगा, क्योंकि मुझे पता है गाड़ी लोगे तो घुमाओगे. अगर मतलब हैंड टू माउथ, मतलब 1.2 सेकंड पॉइंट, काम से घर, घर से काम, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ऐसा भी करोगे तो भी आपका नाना करते $70-80 का तेल लगेगा. तो इसका मतलब है ये आपका पड़ा कहाँ पे, 570-580 से. अब इसको कंपेयर करो, आप वर्क परमिट में भी इससे $400 कम पे घूम सकते हो, अपना सारा काम कर सकते हो. एंड यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोरंटो के अंदर रहते रहते बहुत अच्छा है, बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही सस्ता और टिकाऊ तरीका है अगर आपने गुजर बसर करनी है स्टार्ट के अंदर. बाकी बात ही बात बात की रहेगी तो कितनी क्या टेंशन है. वैसे भी अगर आपने कहीं बहुत ज़रूरी ऊबर ऊबर करनी हो तो
तो उसको मतलब 7-8 डॉलर की ऊबर आपको या $10 की ऊबर आपको मिल जाती है एक छोटे डिस्टेंस के लिए। तो अगर बहुत ज़रूरी कुछ एमरजेंसी है तो यू कैन गो दैट वे, दैट इज़ चीपर देन हैविंग ए कार फॉर श्योर। इस चीज़ की सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, थोड़ी ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे दे विल आस्क यू इफ़ यू ड्राइव और नॉट, तो अगर आप ड्राइव करते हो तो आपको थोड़े पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, ये एक लिमिटेशन ज़रूर है। बट फॉर श्योर जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक आप ना वो जॉब्स कर सकते हो ना ही उस जॉब्स का कोई मतलब बनता है। तो जब तक स्टूडेंट हो एटलीस्ट 2 साल तो आपको पास पे चलना ही चलना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको कंफर्ट लगे कि आपकी जो जॉब है, करंट जॉब है, वो रिक्वायर नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे लोग फील्ड जॉब्स करते हैं और फील्ड जॉब्स के अंदर मुझे नहीं लगता कहीं पर रिक्वायर होता है कि यू हैव टू ड्राइव अ कार, तो इन दैट केस तब भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूरत के हिसाब से लोग यहाँ पर गाड़ी लेते हैं, मेरे को अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने अभी तक नहीं ली है। अब सवाल यह है कि अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अच्छा गाड़ी तो नहीं लेनी तो क्या हम लाइसेंस बना के रख लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं लाइसेंस बना के रख लेना चाहिए। अभी दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, नंबर 1 जो लाइसेंस बना के रख लेते हैं और बाद में गाड़ी लेते हैं, नंबर 2 वो लोग जो सोचते हैं कि लाइसेंस बना के रख लेंगे बाद में गाड़ी लेंगे पर लाइसेंस आने के बाद इतनी चुल मचती है कि हम हैवी किस्त उठा के गाड़ी ले लेते हैं, क्योंकि लाइसेंस आ गया अब इसका क्या करना है, ले लेता है बंदा गाड़ी। अगर मैं लाइसेंस ले लूँगा मुझे पता है मैं अगले दिन ही जाके गाड़ी ले लूँगा, आई हैव सच काइंड ऑफ माइंड। दोस्तों ये तो बात थी अब टोरंटो की, नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्रैम्पटन, क्योंकि ब्रैम्पटन में बहुत सारे मेरे भाई जाते हैं, मैं भी ब्रैम्पटन जाता हूँ पर मैं ब्रैम्पटन रहता नहीं, मतलब मेरे बहुत सारे भाई जो हैं ब्रैम्पटन रहते हैं, उनका प्लान होता है ब्रैम्पटन रहने का। अगर ब्रैम्पटन में रहना है तो आपका जो स्टूडेंट पास है, स्टूडेंट बस पास, वो $110 के आसपास बनेगा। अगर आपको अडल्ट पास मतलब कि जब आप वर्क परमिट पर आ जाओगे तो आपका बेसिकली स्टडी का टाइम खत्म हो जाएगा, स्टडी परमिट एक्सपायर हो जाएगा, स्टडी परमिट के बेस पर ही आपका ये पास बनता है। अगर आप स्टडी परमिट साथ नहीं लेके जाओगे पास बनवाते टाइम तो वो लोग आपका बड़ा वाला पास बना देंगे, फिर फंस जाओगे उसके ऊपर। तो इससे अच्छा है कि स्टडी परमिट पहले साथ लेके जाना जब आप अपना बस पास बनवाने जाओगे तब। अब आप बोलोगे कि बस पास बनवाना कहाँ से है, ये प्रेस्टो कार्ड कहाँ से मिलेगा, ये सारा का सारा काम शॉपर्स ड्रग मार्ट पे होता है, कहीं भी मिल जाएगा। शॉपर्स ड्रग मार्ट इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव ड्रग स्टोर, तो आप कहीं भी अगर आसपास आप अपने डालोगे गूगल पे कि शॉपर्स ड्रग मार्ट नियर मी, इट विल थ्रो यू टू मैनी लोकेशन जहाँ पे आप जाके अपना बस पास बनवा सकते हो। प्रीटी सिंपल, आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद एक बार आपका उन्होंने प्रेस्टो कार्ड और बस पास पहला बना दिया, उसके बाद यू कैन डाउनलोड द प्रेस्टो ऐप, वहाँ पर अपना कार्ड स्टोर कर सकते हो और ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड से लिंक करके या फिर एप्पल पे के थ्रू रिचार्ज करते रह सकते हो। और आप इस प्रिटी सिंपल, क्योंकि आपने बेसिकली करना क्या होता है, प्रेस्टो ऐप के अंदर अपने पैसे डाल लिए, कार्ड उसके अंदर सेव्ड है, तो उसके बाद बस कार्ड के ऊपर ऐसे रखना होता है फ़ोन, लाइक मान लो ये कार्ड है, ये फ़ोन है, इसको ऊपर रख दिया तो अपने आप कार्ड लोड हो जाएगा, ये थोड़ा जादू चलता है यहाँ पर, तो प्रिटी सक्सेसफुल आई वुड से। बाकी दोस्तों प्रेस्टो कार्ड बड़ी काम की चीज़ में, पैसे डलवा के रखो तो आप घूमने भी जा सकते हो। अगर आपने नाइग्रा फॉल जाना है तो वहाँ पे आपकी गो बस जाती है, गो बस इज़ अ नेम ऑफ अनदर ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो बेसिकली पूरे ओंटारियो के अंदर 11 तरह की ट्रांजिट कंपनियाँ हैं जिसके ऊपर आपका प्रेस्टो कार्ड टैप हो जाता है, प्रेस्टो कार्ड चल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने बेसिकली अगर मान लो कि अगर आपने नाइग्रा जाना है या फिर आपने स्कारब्रो टू ब्रैम्पटन जाना है तो बेसिकली आपने करना क्या है कि वो आपको जो प्रेस्टो पास है उसके अंदर अपने पैसे डलवा लेने हैं, आप जहाँ चढ़ोगे वहाँ पर आपने टैप कर देना है और जहाँ पे उतरोगे आई थिंक वहाँ पे भी आपने एक बार टैप करना होता है। तो जितना आपका ट्रिप है उसके हिसाब से वो लोग उससे पैसे काट लेते हैं। एवरेज फेयर बताऊँ, अगर आपने टोरंटो से ब्रैम्पटन जाना है मतलब स्कारब्रो से ब्रैम्पटन जाना है तो इसको निकाल देते हैं, क्योंकि एक तो TTC के पास पे हो गया, वो तो फ्री हो गया आपका, है ना। अगर आप इधर से जा रहे हो तो एक साइड का पास तो आपका फ्री हो गया। उसके बाद गो बस आपको लेनी है, उसका इंटरवल आपका इस हिसाब से पड़ता है कि उसके आपके आई थिंक कोई $5-6 इतने को, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगते, कम ही पैसे लगते हैं, डोंट वरी, वो चिल है, वो कोई टेंशन नहीं है। अब ब्रैम्पटन में रहने वाले बंदे को कितनी बस की और कितनी कार की ज़रूरत है इस बारे में बात कर ले दोस्तों। ब्रैम्पटन में फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं है जितनी टोरंटो में बस की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, तो आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप लोग वहाँ पे कार ना लो। ब्रैम्पटन के अंदर नॉट रियली दैट फ्रीक्वेंट बस सर्विस इफ़ आई कंपेयर इट टू टोरंटो। टोरंटो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी बिग सिटी, तो बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होती है। बट अगर आप बात करो ब्रैम्पटन में, वहाँ पे इतने लोग नहीं यूज़ करते इसलिए वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है, इसलिए बसेस लेस फ्रीक्वेंट चलती हैं, कहीं कहीं चलती भी हैं बट ओवरऑल इट्स नॉट अ वेरी गुड सिस्टम। मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। दोस्तों अलग अलग जगहों के बारे में बताऊँ तो अलग अलग जगहों पर जैसी जैसी जगह होती है उसके हिसाब से आपके पास के मतलब मंथली पास के चार्जेस होते हैं और उसी हिसाब से आपके वन टाइम फेयर भी होते हैं, तो ये वेरी करता रहता है। तो आप जितनी कम पॉपुलेटेड जगह पर जाते रहोगे उतने ही आपको कम पैसे देने पड़ेंगे बेसिकली बस फेयर के, बड़ा सिंपल ये रूल है। सो गाइस दिस इज फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो मेरे को बताओ आपको और कैसी और किस टॉपिक पर वीडियो देखनी अच्छी लगेंगी, किस चीज़ के बारे में आपको बता सकता हूँ कैनेडा के रिलेटेड जिसके बारे में आप जानने के लिए क्यूरियस हो। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। ओ सब्सक्राइब करके जाना प्लीज। ओके सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।
Peace.